नमस्कार राघव जी, शहरों के आ रहे हैं क्या? हाँ जी, नए कपड़े खरीदने गया था। क्या बात है, बेटे का रिश्ता आया है क्या? अरे नहीं नहीं, त्योहार आ रहा है ना, इसलिए सोचा नए कपड़े खरीद लूं। अच्छा, पर बेटे की शादी कब करवाओगे? रिश्ते तो देख रहे हैं, नसीब में जब होगा तब होगा। सुनती हो, सारे गांव वालों को हमारे बेटे की शादी की ही पड़ी है। पता नहीं उसकी शादी कब होगी। मुझे लगा परसों जो रिश्ता आया था वो तय हो जाएगा, मगर इसको लड़की पसंद ही नहीं आई। मेरा भाई वेंकटगिरी से जो रिश्ता बताया वो अमावस के बाद शुभ दिन देखकर चलते हैं। क्या कहते हो जी, हम लोग चलें क्या? मेरा क्या है, वो देखो, वो खुद ही आ रहा है, तुम पूछ लो। अरे माँ, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? तुम्हारी शादी के अलावा हम और क्या सोचेंगे भला। कल सोमवार को लड़की देखने वेंकटगिरी जाना है, जरा अपना समय निकाल लो बेटा। ठीक है, चलेंगे। इस तरह दो दिनों बाद सब लोग मिलकर वेंकटगिरी चलते हैं। सुब्रमण्यम जी, आपसे मिलने सीतापुर का व्यापारी श्रीनिवास जी आ रहे हैं, कह रहे थे उनको कुछ जरूरी चीजें चाहिए। अच्छा, पता नहीं इस वक्त क्यों आ गए, बहुत जरूरी नहीं होता तो वो खुद नहीं आते। चलो ठीक है, मैं जाके मिल लेता हूँ, हम दोपहर बाद निकलेंगे। अरे दोपहर बाद तो दुर्मुहूर्त हो जाएगा। शास्त्री जी, पर कर भी क्या सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम तीनों चलते हैं, दोपहर बाद छोटे बाबू आ जाएंगे। सुब्रमण्यम उस व्यापारी को मिलने के लिए जाता है और ये तीनों वेंकटगिरी के लिए निकल जाते हैं। बाप रे, आज तो बहुत प्यास लग रही है। उधर देखिए, वहाँ एक घर नजर आ रहा है, थोड़ा सा पानी पीकर जाएंगे। अरे पहले तो कभी यहाँ घर नहीं देखा, लगता है नई नई बनवाई है। अरे हाँ, मैंने भी तो पहले नहीं देखा। सही कहा, लगता है किसी अमीर का घर है। तीनों वहाँ पहुँचते ही एक खूबसूरत सी लड़की उनके पास आकर बोली, कौन है आप लोग? लगता है आप कहीं से जा रहे हो, पानी लेना चाहोगे? हाँ बेटा, हम लोग भी इधर पानी पीने के लिए ही आए हैं। नीलमणि पानी लेने अंदर जाती है। लगता है बहुत अच्छे सांप्रदायिक परिवार है, लड़की बहुत गुणवती लग रही है। अरे कितनी विनम्र लड़की है, देखने में भी बहुत सुंदर है। लग रहा है आप वेंकटगिरी जाने से रहे, क्या सोच रहे हो, इसी लड़की से शादी तय करना है क्या? ये बात सही है, ये लड़की अपने बेटे के लिए सही जोड़ी है, ऊपर से बहुत पैसे वाले भी हैं। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आ गई। अरे हमारे पसंद का क्या है, आपके सुपुत्र को भी तो पसंद होना चाहिए। क्यों बेटा, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं क्या? जी नहीं, पापा काम से शहर गए हुए हैं। बेटा फिर तुम्हारी माँ? जी उनका निधन हो चुका है, मैं और पापा ही रहते हैं। इतने बड़े घर में सिर्फ आप दोनों ही रहते हो? अच्छा बेटी, आपके पापा कब आएंगे? वो किसी से मेरे रिश्ते की बात करने वो शहर गए हैं, शायद शाम तक लौट जाएंगे। अच्छा, हम भी अपने बेटे के लिए लड़की देखने वेंकटगिरी जा रहे थे, लेकिन बेटा हमें आप बहुत पसंद आ गई हो, अपने बेटे के लिए आप एकदम सही जोड़ी हो, वो दोपहर तक पहुंच जाएगा, तुम भी एक बार देख लो, अगर पसंद आएगा तो आपके पापा से बात कर लेंगे। जी जैसी आपकी मर्जी। अरे सात पुश्तों के बारे में खबर लिए बिना रिश्ता कैसे आगे बढ़ाए, ऊपरी चमक दमक देख के रिश्ता किया जाता है क्या? इतनी सारी जायदाद है, लड़की को भी तो आपने देखा है ना, कितनी सुशील और विनम्र है, और क्या चाहिए भला। पहले उनके पापा से बात किए बगैर हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अरे हाँ शास्त्री जी, हमारे बेटे को तो पता नहीं हम यहाँ आए हैं, आप जरा आगे जाइए और बेटे का इंतजार कीजिए, वो आ जाए तो लेते आइए। गुरुजी, जैसा आपने कहा सब कुछ वैसा ही हो रहा है, पंडित जी उस युवक को लेने गया है। हाँ, मैं भी इसी समय का इंतजार कर रहा था, उसे माँ के चरणों में बलि देकर मैं अलौकिक शक्तियों को वश में कर लूंगा। अरे सुब्रमण्यम, कितनी देर इंतजार करवाई। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं, मेरी राह क्यों देख रहे थे, माँ बाबूजी कहाँ हैं? सुब्रमण्यम से पंडित जी उनके प्यास लगने की बात से लड़की से रिश्ता तय करने की बात तक सारी बात बताता है। मैं कई बार इस तरफ से गुजरा,
यहाँ पर तो कभी कोई घर नहीं दिखा। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, चले। इस तरह वो लोग आगे बढ़ते हैं कि एक ऋषि उनके सामने आ जाते हैं। रुको, तुम्हारा उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। क्या आपको पता है हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं सब जानता हूँ बेटा, वो कोई अमीर आदमी का घर नहीं है, वो तो एक माया जाल है। आप जिस लड़की को देखने जा रहे हैं वो एक मांत्रिक की सृष्टि है। मांत्रिक है? पर वो है कौन? वो कई दिनों से माता को प्रसन्न करने की प्रयत्न कर रहा है। अगर सिंह राशि में जन्मा कोई योग्य ब्रह्मचारी को अगर वो माता को बलि चढ़ा दे तो कई अलौकिक शक्तियां उसकी मुट्ठी में आ जाएगी, और वो योग्य ब्रह्मचारी तुम ही हो। तुम्हें बलि देने के लिए ही उसने ये मायावी घर बनाई। अब तक तुमने जो देखा वो उसी की माया है। ऐसा क्या? मैं वहां ना जाऊं तो अच्छा होगा, पर मेरे माँ बाबू जी तो वहां फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकालना होगा। चलिए शास्त्री जी, हम दोनों वहां जाकर माँ बाबू जी को उस मांत्रिक के जाल से निकालते हैं। नारायण, इतना जान ले के बाद मैं वहां कैसे जाऊं? अब जाइए, जान रहेगी तो कल मिलेंगे। पंडित जी ये कहकर वहां से भाग कर चले जाते हैं और सुब्रमण्यम से ऋषि कहते हैं, एक बात सुनो बेटा, जब तक वो मांत्रिक मंत्र पढ़ता जाएगा उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, पर मंत्रोच्चारण स्पष्ट होनी चाहिए। गलत उच्चारण करने से कोई शक्तियाँ नहीं मिलेगी। मंत्र पढ़ने से उसे रोक दो तो वो ऐसे ही रुक जाएगा। ये कैसा होगा स्वामी? तुम्हारा बुद्धि बल का उपयोग करके किसी भी तरह उस मांत्रिक के सामने के दो दांत अगर तोड़ सकते हो वो मंत्र स्पष्ट नहीं पढ़ पाएगा। तुम इतनी सी काम अगर कर दो तो बस। अगर आप मेरे साथ दोगे तो मुझे बहुत भरोसा मिल जाएगा स्वामी जी। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, तुम अब निकल पड़ो बेटा। इस तरह सुब्रमण्यम मांत्रिक के द्वारा बनाए हुए उस भवन के पास पहुंचता है। क्या बात है, तुम अकेले आए? शास्त्री जी कहाँ गए? शास्त्री जी को थोड़ी सी काम पड़ गई, वो शहर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। अरे बेटा, तुम्हारे लिए हमने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। शास्त्री जी ने सारी बात बताई मुझसे। वैसे वो लड़की है कहाँ? ये रही, बातों में ही आ गई। ये देखो हमारा बेटा, अपनी राय बताओ। मेरे पिताजी जो भी निर्णय लेते हैं मैं उससे सहमत हूँ। आइए, मेरे पिताजी अंदर ही हैं, आप खुद पूछ सकते हैं। वो कब आए बेटी? हम तो यहीं पर बैठे थे। वो अभी अभी आए हैं, इस घर का एक और दरवाजा है। चलो अच्छा हुआ, अंदर चलते हैं। आप यहीं बैठिए, पहले मैं जाके बात करके आता हूँ। पिताजी ने भी यही कहा था। ठीक है, जाओ बेटा, संभाल के बातें करना। इस तरह दोनों मिलकर अंदर जाते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाते हैं, कमरा एकदम से मांत्रिक की गुफा बन जाती है। आवा हयामी। ये क्या हो रहा है? आप घबराएं नहीं, सब कुछ मेरे पिताजी संभाल लेंगे। लीला मणि, सब तैयारियां हो चुकी है? सब तैयार है पिताजी, पिताजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए आओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मांत्रिक से अच्छी तरह बातें बनाए रखने का अभिनय करते हुए सुब्रमण्यम एक झटके में मांत्रिक के मुंह पे मारता है। आगे के दांत निकल के हाथ में आ जाते हैं। तो यहाँ आने से पहले तुम्हें सारी बातें पता चल गई है, अब देखना। इस तरह दोनों एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं। उसी समय ऋषि वहाँ पहुँचते हैं। अरे दुष्ट मांत्रिक, तू एक सियार बनकर भूखे पेट इसी जंगल में घूमता रहेगा, यही मेरा श्राप है। इस तरह लोमड़ी बनकर मांत्रिक वहाँ से चला जाता है। बेटा हम सब किधर है? वो भवन कहाँ गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ, सारा माया जाल था। इस तरह सुब्रमण्यम सारी बात अपने माँ बाप को समझा देता है। अच्छा, फिर वो लड़की? ये लड़की कोई और नहीं, आप जिस लड़की को देखने जा रहे थे उसी सुब्बैया की ये बेटी है नीलिमा। इसे देखने ही आप वेंकटगिरी जा रहे थे, क्योंकि ये इतनी सुंदर और सुशील है, मांत्रिक ने इसे अपने वश में किया और आप लोगों को इसके द्वारा वो अपने जाल में फंसाना चाहा। जरा रुकिए। इस तरह कहकर ऋषि नीलिमा के ऊपर पानी छिड़ककर मांत्रिक के वश से उसे रिहा कर देते हैं और सारी बात समझाते हैं।
जिस लड़की को देखने हम जा रहे थे वो लड़की खुद हमें रास्ते में मिल गई। इस तरह नीलिमा के साथ सुब्रमण्यम की शादी हो जाती है।